पश्चिम ओडिशा रे हाईकोर्टर एक स्थायी बेंच प्रतिष्ठा लागि आंदोलनरत संबलपुर वकिल संघ एवं सुप्रीम कोर्ट को मध्यरे जेउ समस्या उपजिछि एवं एथिरे वकिल माने गिरफ होई जेल को जिबा घटना संपर्क रे भाजपा एमपी सुरेश पुजारी एवं तांकर सहयोगी भाजपा नेता माने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को दायी करबा अप्रासंगिक बोली पूर्वतन मंत्री दामोदर राउत कहिछन्ती। से कहिछन्ती जे हाईकोर्टर स्थायी बेंच प्रतिष्ठा करबा एक विचार विभागीय विषय एवं एहा प्रशासनिक विचार अधिकार विषय नुहे। राज्य भितरे हाईकोर्टर स्थायी बेंच केऊ कारणरु केऊ ठारे स्थापन करा जिवो से संपर्क रे हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट आलोचना करी राज्य सरकार को परामर्श देले राज्य सरकार आनुषंगिक भित्तिभूमि एवं अन्यान्य सुविधा सुजोग जोगाई देबे। किंतु स्थायी बेंच प्रतिष्ठा संपर्क रे राजनीतिक किंबा प्रशासनिक निष्पत्ति नियाजिबा संभव नुहे। राज्य सरकार जदि पश्चिम प्रांत रे हाईकोर्टर स्थायी बेंच प्रतिष्ठा पाई प्रस्ताव आणिबे दक्षिणांचल रे थिबा जिल्लागुडिक एवं उत्तर भाग रे थिबा जिल्लागुडिक मध्य सेमानक अंचल रे स्थायी बेंच प्रतिष्ठा पाई दाबी उपस्थापन करिबे जहां पद्मपुर को जिला घोषणा करबा दाबीरु उद्भव होईछि। मुख्यमंत्री को दायी करी गणमाध्यम रे जेउ विवृति दिया जाउछि ताहा केवल राजनीतिक स्वार्थ हासिल पाई लोकमानक को विभ्रांत करबा व्यतीत अन्य किछि नुहे बोली दामो कहिछन्ती। ब्यूरो रिपोर्ट निर्भसूचना। अधिक अपडेट पाई हम चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करिया को जमार भी भूलंतुनी। निर्भय सूचना निर्भय रसह सब बेले आपन को साथी रे।